हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो फार्मिंग सिमुलेटर 22। भाई जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने पे बिल्कुल ही न्यू फार्म में आ गए हैं और यहाँ पे हम ना बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो मोड। और आपने पहली वीडियो देखी होगी तो भाई आज वाली वीडियो थोड़ी लेट है, क्योंकि ना भाई दिक्कत ये हो गई थी कि मेरे ना सारी सेव्ड फाइल थी ना भाई, वो बिल्कुल डिलीट हो गई गलती से और उनको भाई रिकवर भी नहीं कर सकता था मैं, मतलब भाई इम्पॉसिबल था रिकवर करना। तो भाई मैंने पूरी प्रोग्रेस फिर से करी है और अपनी हमने मतलब तीनों खेतों में पिछले बार ग्रास बोई थी तो मैंने फिर से ग्रास बोई है और सेम वही काम किया है, थोड़ा ऊपर नीचे काम था इसलिए पैसों में डिफरेंस आ सकता है। लेकिन आई थिंक पिछले वीडियो में 1 लाख कुछ थे, अभी 98,000 है, तो भाई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और जहाँ तक हमने छोड़ा था वहीं पे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने रोलर लीज पे लिया था, पीछे खड़ा है, बाकी सभी खेतों में मैंने रोलर घुमा दिया था और हार्वेस्ट कर दिया था, हार्वेस्ट नहीं सॉरी सोइंग कर दिया था सभी खेतों में ग्रास। और अभी जाके देखते हैं कि खेतों का हाल क्या रहता है। तो अभी मंथ चल रहा है सितंबर का और ये है, इसमें फर्टिलाइज़र जीरो है क्योंकि अपने पास फर्टिलाइज़र था नहीं। और अपने पे जो बचा था फर्टिलाइज़र वो पिछली वीडियो में था, लेकिन वो फाइल डिलीट होगी तो हमको पूरा फर्टिलाइज़र फिर से खरीदना पड़ेगा। बाकी अपने पास फर्टिलाइज़र भी नहीं है। तो आई थिंक पिछली वीडियो में यहाँ पे फसल थी, मतलब पिछले मंथ में, अभी वो हार्वेस्ट हो गई है तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट लेके चलते हैं। फर्टिलाइज़र लेके आते हैं पहले अपने खेत के लिए। फर्टिलाइज़र तो लाना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, लेकिन फर्टिलाइज़र सेपरेटर अपने को लीज़ पे लेना पड़ेगा क्योंकि अपने पास तो है नहीं। और भाई ना अपन ने कॉन्टैक्ट किया था पिछले वीडियो में, भाई वो वाला फर्टिलाइज़र सेपरेटर कितना बढ़िया था यार, इतना बड़ा ना लेके जाता था वो अपना, उसका एरिया काफ़ी बड़ा था, हम सेट कर सकते थे ना, तो वही लीज़ पे लेंगे हम अभी। मतलब न्यू ख़रीदने के तो पैसे है ही नहीं अपने पास, तो आइटम अपने को लीज़ पे लेने पड़ेंगे। और अभी हम इसी वीडियो में ना एक काउ फार्म तो नहीं लगाएंगे, काउ फार्म में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो हम लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे अभी हम देखते हैं पहले शॉप पे जाके। अभी हम पहले ना अपने को फर्टिलाइज़र ख़रीदना था, कहाँ भैया, सीडर नहीं सॉरी प्लांटर, ये क्या किस चीज़ में काम आता है, आई थिंक सोयाबीन, और ये क्या मूली है क्या, कॉटन, ठीक है यार बढ़िया। फर्टिलाइज़र सेपरेटर यही था ना वो भाई, यही था वो भाई जो इसमें कमाल किया था इसने, इसको करते हैं भाई। और अपने को ना फर्टिलाइज़र भी चाहिए होगा, कहाँ है पैलेट्स, अपना एक बैग से काम हो जाना चाहिए यार। सॉलिड फर्टिलाइज़र, ये क्या चीज़ है भाई, खरीदे क्या यार ज़्यादा भाई, ये इतना महंगा यार, $9,000 का, स्पेशली किसके लिए, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये इसमें लिक्विड प्लस ये दोनों फर्टिलाइज़र है, ये केवल सॉलिड है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये क्या चीज़ है भाई, भाई ये बताओ यार, आई थिंक ये ना ये कोई फ्रूट, फ्रूट नहीं, पॉपुलर, ये क्या यार मेरे को बताओ, अगर किसी को बताओ तो। लिक्विड फर्टिलाइज़र भाई ये सही है, अपने में लिक्विड फर्टिलाइज़र का टैंक नहीं है ना, तो भाई अपने को ना यही ख़रीदना पड़ेगा सॉलिड फर्टिलाइज़र। हमने पिछली वीडियो पता नहीं कौन सा ख़रीदा था, यहाँ से नहीं खरीदा था हमने, यहाँ से ख़रीदा था फर्टिलाइज़र, नहीं है ये ख़रीदा था हमने, इसको छोड़ते भाई ये देखते हैं, ये मेरे को बढ़िया लग रहा, अगर काम किया तो बढ़िया है। कहाँ गई अपनी मशीन और फर्टिलाइज़र, वो अच्छा ना कि वेट लगा हुआ ट्रैक्टर लेके आया मैं, वरना उठता नहीं है फर्टिलाइज़र वाली मशीन। जल्दी से भरते हैं इनको, पूरा आ जाएगा क्या एक बार में, अरे ये तो इतना सही है, अरे फिर तो एक और प्रोडक्ट ख़रीदना पड़ेगा अपने को, बहुत कम है ये तो। एक और बैग खरीदते हैं भाई, 1400 का एक पड़ा अपने को, चलो चलते हैं फिर से, इससे हो जाएगा काम, अगर पूरी नहीं भरी फिर भी हो ही जाएगा, अपना काम तो हो ही जाएगा ना चाहिए। तो लेके चलते हमने खेत में सीधा डायरेक्ट। ये ऑल राइट गाइज, मैं फर्टिलाइज़र लेके आ चुका हूँ खेत पे और अपने विड्थ तो बिल्कुल 42 मीटर पे है, मतलब जितना ये दूर फेंक सकता है उतना दूर फेंकेगा। अब हम जैसे ही दबाएंगे अपना बटन तो भाई बहुत ज़्यादा ही दूर फेंकता है ये तो, ये दो बार में काम हो जाएगा क्या भाई, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ कहाँ तक फर्टिलाइज़र पहुँचा है। एक सेकंड मेरे को रोक के देखना पड़ेगा कि
ये फर्टिलाइज़र काम तो करेगा ना। फर्टिलाइज़र ज़ीरो, फर्टिलाइज्ड ज़ीरो भाई। ओके नहीं नहीं हाँ बढ़ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है भाई। पता चला कि हमने गलत फर्टिलाइज़र छिड़क दिया, फसल और ख़राब हो गई। वही देखना था बस मेरे को, फर्टिलाइज़र जा रहा है ना, बस इतना काम काफ़ी है अपने पास। लेकिन ना एक चीज़ मैं भूल रहा हूँ कि हमने ना क्या बोया है, ये हमने बोया है ग्रास है ना। मैं भूल ये रहा हूँ कि अपने को ना ये इसके लिए इम्प्लीमेंट्स खरीदने पड़ेंगे ना, जैसे कि हुआ अपना मोवर हुआ और एक दो और चीज़ें हुई भाई। तो यार आई थिंक महंगा पड़ गया यार ये, मैं भूल गया था यार, गलती से ग्रास बो दी हमने। और ना हम काउ फार्म लगाने वाले हैं, हम तो लगाने वाले हैं पोल्ट्री फार्म। भाई मैंने गलत चीज़ बो दी क्या भाई? ये तो हमारे साथ कॉमेडी हो गई बिल्कुल बुरी वाली। मतलब भाई तीनों खेतों में मैंने ग्रास बो दी। मैंने सोचा कि कनोला बोते हैं, लेकिन कनोला तो भाई बहुत ज़्यादा लेट हार्वेस्ट के लिए आता है। मैंने गलत ही चीज़ बो दी भाई, ऊपर से अपना फर्टिलाइजर का और पैसा लग गया। लेकिन हम ग्रास को करेंगे क्या, सेल ही करना पड़ेगा पूरा इसको भाई। कितनी दूर फेंकता आ रही है ये भी, हमने लीज पे लिया है फर्टिलाइजर सेपरेटर। और गाइस ना एक चीज़ बता रहा हूँ मैं, कि मेरा ना वो गेम ना दिक्कत दे रहा था ये, तो मेरा पहले तो हो गया था ये अपना सेव्ड डाटा डिलीट। तो अब मैंने सोचा कि अब डाटा डिलीट ही हो गया, तो गेम को ना फिर से रीडाउनलोड कर लेते हैं, क्योंकि ना मोड की वजह से ना मेरा गेम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था। ये ख़त्म कहने का मतलब कि ख़राब हो गया था, ये बहुत ज़्यादा बग्स आ रहे थे। मतलब मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में, बादल एकदम वो शटर शटर कर रहे थे। अब देखो बिल्कुल नहीं कर रहे भाई, वो ना मोड की वजह से कुछ फाइलें डिलीट हो गई थी मेरी, इसकी वजह से हो रहा होगा। तो अब बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो पहले डाटा उड़ गया था, तो मैंने सोचा डाटा तो वैसे उड़ ही गया अपना सेव्ड डाटा, तो एक काम करते गेम को फिर भी पूरा डिलीट करके इंस्टॉल कर ही लेते हैं। तो एक तरीके से फ़ायदा तो हुआ है, नुकसान भी हुआ है कि वीडियो डिले हुई अपनी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन का डिले चलता है। लेकिन अपना डाटा हम मैंने फिर से बनाया, फिर पूरा मतलब गेम खेला था, डाउनलोड भी किया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वरना वीडियो डालने में कोई दिक्कत नहीं थी मेरे को। भाई अपने पास केवल 70,000 बाकी है। अरे 70,000 कैसे बाकी? ओके लीज़ पे भी लिया था हमने, भूल गया। अरे लीज़ पे लिया था मैंने, बाई तो नहीं कर दिया गलती से भाई? यार मैंने बाई कर लिया इसको। ओ भाई गलत काम हो गया ये तो। अरे यार इसकी ज़रूरत थी नहीं भाई, लीज़ पे लेना था, मैंने बाई कर दिया इसको गलती से। भाई लोग कमेंट में बताओ यार, बाई किया क्या मैंने? भाई आपको भी नहीं पता होगा, आप देखोगे अभी। चलो जब आइटम बाइक कर ही लिया तो अब कुछ नहीं कर सकते भाई। गलती से भाई फालतू में 30,000 उड़ गए अपने भाई। 3,000 के तो दोनों अपना सुपर सीडर, सुपर सीडर नहीं सॉरी, अपने सॉलिड फर्टिलाइजर के बैग थे। तो अपने पास केवल 70,000 कैसे बाकी है? 1 लाख थे ना अपने पास। तो भाई ये पूरा भाई हो गया। अच्छा हुआ ना ये भाई सस्ता वाला भाई हुआ है। भाई महंगा वाला हो जाए तो क्या ही कर लेते हैं, अपना सारा पैसा उड़ जाता एक बार में ही। यार गलती तगड़ी होगी आज। ये खेत किस साइड से है, हम इसको ऐसे ले जाते हैं। पहुंच रहा है ना पूरा भाई। ये फर्टिलाइजर सेपरेटर ना बाई तो किया है, लेकिन मस्त चीज है ये, बिल्कुल ना घंटों का काम मिनटों में कर देता है भाई। वरना भाई फर्टिलाइजर कितने छोटे छोटे सेपरेटर आते हैं, तो भाई बिल्कुल कितना ज्यादा टाइम लग जाता है उनमें। ये भाई मस्त चीज है। तीन बार जाना पड़ेगा। पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा। इधर तो पहुंच रहा है ना थोड़ा सा। ओके तो फर्टिलाइजर का काम हो गया। और इस वीडियो में मेरे को नहीं लगता कि इसको हम क्रॉप कर सकते हैं हार्वेस्ट, तो हम स्लिप हो जाएंगे बीच में और हार्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अच्छा है या नहीं। और अभी हम ना कुछ पोल्ट्री फार्म का भी देखते हैं। इसको पहले सबसे छोटा करता था, विड्थ कहाँ से सेट होती इसकी। कहाँ से होती भाई? एच बी से भी नहीं, आई से भी नहीं,
एन से तो कहाँ पर है, वी, वी से भी नहीं, कंट्रोल प्लस जेड, ओके सबसे कम, ओके ये, अरे अभी तो बंद हो जा, तो ऊपर नीचे करने का भी है क्या इसमें, नीचे करके होगा क्या, ऊपर में तो सही चिड़कता होगा, हाँ ये हुई ना, हाँ अब सही है ना, छोटा सा ही तो है ये, पूरा फर्टिलाइज़र का इन्वेस्ट करें हम। ये स्क्रीनशॉट बढ़िया है, यहाँ से लेते हैं हम, स्क्रीनशॉट के चक्कर में पीछे रह गया अपना खाली जगह। तो चलो फर्टिलाइज़र का काम यही ख़त्म हो गया है, और अभी हम कुछ देखते हैं पोल्ट्री फार्म का। पहले तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कंस्ट्रक्शन में पोल्ट्री फार्म का, एनिमल चिकन भाई ये देखते हैं, 6,000 का इन्वेस्टमेंट है अभी, और इनको कहाँ लगाएं, अपने घर के पास सही रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही जगह है, या इधर इधर लगा सकते हैं ना, ओवरलैप होएगा, या लगाऊं क्या, नहीं, यहाँ हम कुछ और चीज़ें लगा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा जगह अपने पास अभी, वैसे हम बहुत सारी चीज़ें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं वैसे। और रुक जाइए, बड़ा वाला कितने का है, बड़ा वाला तो काफ़ी महंगा यार, और इसमें कितनी आ जाएगी, 360 मुर्गियाँ यार, लोन लेके बड़ा वाला लगाता हूँ यार, सही रहेगा सही रहेगा, लोन लेके बड़ा वाला लगाता हूँ, लोन ले लेते हैं ना थोड़ा, 360 मुर्गियों का कितना पैसा लगेगा, एनिमल अभी पेन नहीं ना दिखाएगा नहीं पैसा, यहाँ पे मनी मैनेजमेंट कहाँ है, ये रहा, लोन लेते हैं हम, रीपे, वाह रीपे को बोरो 5,010, 1,00,000 का लोन ले लेता ना, तब अपने को आइडिया रहे कि कितना लोन है, 1,00,000 का लोन अपने पे। अब हम लगाते हैं बड़ा वाला पोल्ट्री फार्म चिकन का, ये है ना चिकन बड़ा वाला तो बिल्कुल ना इसको ना अपने घर के पास ही लगाते हैं ये। ऑल राइट गाइज, हमने लगा लिया है अपने मुर्गियों के लिए पोल्ट्री फार्म, तो इसमें अभी एक भी मुर्गी है नहीं, तो अपने को बाई करनी पड़ेगी, अपने पास है $91,680, 1,00,000 माइनस में हैं हम अभी, क्योंकि ना लोन है अपने पे, तो आई थिंक ना लोन के पैसे से ही तो अपना पूरा काम चल रहा है पूरा अभी तक, और हम ना ये ध्यान रखेंगे कि अपना पैसा ना 1,00,000 के अंदर ना जाए, क्योंकि ना कभी ना कुछ इमरजेंसी के लिए ना $1,00,000 तो भाई रखना चाहिए अपने को। तो अभी हम डायरेक्ट ना बाई करते हैं अपने लिए मुर्गियाँ, तो भाई सबसे बढ़िया ये वाली चिकन सही रहेगी $50 की, क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन तो यही देगी, मिल्क नहीं सॉरी एक प्रोडक्शन, उल्टा बोल गया मैं, तो ये है एक अपने को $3,300 की पड़ रही है, तो भाई एक 300 की नहीं है ये, नहीं एक नहीं सॉरी एक 50 की है, और बाकी 60 मिला के 3,000 की, प्लस फी ये आई थिंक डिलीवरी चार्जेस है, डिलीवरी चार्जेस लग रहे हैं भाई अच्छे खासे इस पे, भाई मैं खुद बाइक करके लिया था, लेकिन अभी अपने पास टाइम की कमी है भाई, ये बेचूंगा $10 मिलेंगे भाई, क्या गजब टोपी बाज आदमी आ रही है गेम वाले, अपने पास और चाहिए अभी तो। यो गाइज, अपने पास हो गया है अच्छा खासा प्रोडक्शन, तो अपने पास है फूड जीरो है अभी इनका, तो भाई 360 मुर्गियाँ हैं ये, थोड़ी सी दिख रही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब हम इनके लिए लाते हैं कुछ दाना वगैरह शॉप पे जाके। यो गाइज, मैं शॉप पे पहुंच चुका हूँ, अब हम खरीदते हैं अपनी मुर्गियों के लिए कुछ अनाज वगैरह। अपने को तो मुर्गियों के लिए अपने को पता ही है क्या खरीदना है, ये है बिग पैलेट्स, और ये है चिकन का वीट, चिकन के लिए केवल वीट ही है ये, अपना हॉर्स के लिए, ये पिग्स के लिए, ये तो रोड साल्ट है, ROAD साल्ट, रोड साल्ट इसका क्या यूज़ होता है, ये लाइम है, ये सीड है अपना, ये सॉलिड फर्टिलाइजर। अभी अपने को वीट ख़रीदना है, तो 3,000 के 3 बैग, 4,500 के 4, 6,000 के हम खरीदते हैं 5 बैग, लेकिन लेके कैसे जाएंगे इनको ये मेरे को नहीं पता अभी तक, मैं ट्रैक्टर तो लेके आ गया हूँ, लेकिन जाऊँगा कैसे ब्रदर, इनको ले जाऊँ कैसे मैं,
अबे उठने का ऑप्शन आ रहा है लेकिन बिना मोड का गेम प्ले चल रहा है तो मैं इनको उठा नहीं सकता भाई लोग, क्या दिक्कत है? ये ट्रैक्टर में आएगा क्या? तो आई थिंक अपने को ना कुछ ऐसा खरीदना पड़ेगा कि ये सामान हम उसके अंदर रख सके। भाई ये तो डेली का काम है, ट्रैक्टर पे लोडर अपने पास है नहीं। और ये वाला ट्रैक्टर सेल कर दूँ क्या? बाकी दूसरे ट्रैक्टर कौन से है? ये वाला बड़ा ट्रैक्टर है, ये छोटा है, इसको सेल करूँ क्या? भाई देखते हैं कि कौन से में सबसे ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो इसका अपने को मिलेगा सेल करने पे 68 डॉलर, 68,000 डॉलर, और इसका मिलेगा अपने को 83,000, इसका 74। तो भाई मेसी वाला तो बड़ा है ट्रैक्टर, ये वाला छोटा ना, इसको सेल करेंगे। लेकिन हम बाई करेंगे ना लोडर करेंगे, कोई ट्रैक्टर वाला लोडर नहीं क्या यार? स्मॉल ट्रैक्टर में लोडर मिल जाए अपने को, ज़्यादा छोटा भी नहीं। देखते हैं लोडर मिल जाएगा क्या? लोडर नहीं, ये ना अपना 64,000 का, 75 का तो अपना काम हो जाएगा। अटैचमेंट लोडर भाई अपना काम हो गया, अटैचमेंट लोडर तो हम पहले सेल करते हैं फिर बाद में बाई करेंगे, सही रहेगा ना बॉयज़? ये भाई हम ना एकदम भाई मैनेजमेंट के साथ करना पड़ता है ये एकदम सोल्ड अपना। और छोटा व्हीकल मेसी का था ना वो, मेसी फर्गुसन ये वाला, इसमें हम लेंगे लोडर, फ्रंट लोडर, बस इतना ऐड ऑन है 78,000। थोड़ा सा अपने को पता है कि ज़्यादा खर्चा लगेगा इसमें, लेकिन अपना अच्छा खासा काम हो जाएगा इससे। और अपने इसके लिए हम लोडर भी ख़रीद लेते हैं, फ्रंट लोडर, ट्रैक्टर का फ्रंट लोडर ये रहा। तो आई यार ये अटैचमेंट, एक सेकंड ट्रैक्टर में देखता है कि ट्रैक्टर में कौन सा वाला था, क्योंकि ना फ्रंट लोडर ना हर ट्रैक्टर के लिए अलग लगाते हैं। कौन सा ट्रैक्टर था अपना? ये था ना, और हमने ख़रीदा ये, इसमें हुलर का है तो अभी उसके लिए उसके हिसाब से खरीदना पड़ेगा, कोई कंपनी को देखना पड़ता है ये वाला। तो ये दो साइज़ के तो 9,000, 12,000, 9,000 वाला ले लेते हैं अभी, इससे अपना काम हो जाएगा। कस्टमाइज, कुछ कस्टमाइज नहीं करना, सीधा बाई। भाई अच्छा खासा खर्चा हो गया अपना तो चिकन में तो। और लोडर के लिए ये फ्रंट लोडर है, तो फ्रंट लोडर पे फ्रंट लोडर का ही चढ़ेगा सबसे पहले। सबसे छोटा सस्ता कौन सा है? ये सही रहेगा क्या? ये सही रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं। भाई डबल फर्क है यार। बाकी हम देख लेते हैं, ये ही लेते हैं फिर। भाई अच्छा खासा अपने को पैसा लग रहा है। तो अपने सामान पहुंच चुके हैं शॉप पे, हम जल्दी बारी बारी से इनको करते हैं अटैच। जहाँ तक हमने कंपनियों को देख के ये लिया है, कंपनी की कौन सा अटैचमेंट लग सकता है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे को, जहाँ तक लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई पहला काम सही गया, बस ये कनेक्ट हो जाए ना, क्योंकि ना इसमें मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ये कनेक्ट हो जाइयो भाई, हो जाइयो, हो जाइयो, हो गया। आइए भाई, तुम्हारा भाई ना ओपी है भाई, बिल्कुल आप कंट्रोलिंग देख सकते हो कि तुम्हारा भाई ओपी है। तो ये अभी हम एक एक बोरी ले चलते हैं, अपना काम हो जाएगा। और ये भी ना अच्छा वाला, ज़्यादा बड़ा वाला नहीं खरीदा वरना दिक्कत और अलग हो जाती। दो उठा लेंगे क्या? दो उठा ले तो बढ़िया ही है भाई, एकदम ये सही पड़ी है ना, इनको ना एकदम आराम से दो उठा लेते हैं। अब ये मत बोलना कि तुम्हारे पे छोटा आ गया। अबे ये क्या दिक्कत आ गई? वेट है क्या मेसी में? हम मेसी लेके आ गया ना भाई, इसमें वेट है, अपना काम हो जाएगा। भाई देखो यार, मतलब अपने साथ ना आज बिल्कुल सही सही चीज़ें हो रही है, लेकिन पैसा अपना भाई बिल्कुल ही 42,000 बचा है। लेकिन भाई थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, अपने पास मुर्गियाँ भी तो कितनी ज़्यादा है। मेसी अपना इसमें नहीं लगता होगा लोडर, भाई मैं देखा ही नहीं यार, इसको कस्टमाइज ही करवा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं, वैसे लोडर के तो पैसे लगे नहीं अपने ज़्यादा, हमने तो ट्रैक्टर के लगे थे 10,000 ज़्यादा।
लेकिन ट्रैक्टर नया हो गया ना, पहले इनको नीचे रखते हैं और पीछे वेट लगाते हैं अपना। ओके वेट लग गया, अब उठा सकता है क्या भाई? एकदम पूरा सर पे उठा लेना, फिर तो वेट मैनेजमेंट हो जाएगा भाई। दो 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 वेट लगा रखे मैंने भाई, ये क्या दिक्कत दे रही यार। हमारे ट्रैक्टर के आगे भी वेट ज़्यादा है। अबे भाई एक सेकंड, चलो एक गिर गया, कोई बात नहीं, एक गिर गया था, मैं एक को ही लेके चलते हैं। अबे ये अपना काम हो जाएगा एक से अभी का, और शॉर्टकट ले रहा हूँ मैं अभी के लिए आराम से भाई। एक में ही इतना वेट है, दो तो भाई नहीं चलते हैं। ट्रैक्टर सही है अपना, लेकिन ना ये व्हील लोडर थोड़ा बड़ा रहेगा इसके लिए, अपने को ना पीछे के लिए बड़ा वेट खरीदना पड़ेगा ताकि ना पीछे से उठे नहीं है। तो आराम से लेके चलते हैं। अपना मुर्गियों के लिए, मुर्गियों का स्टोरेज है ये साइड में। ओके भाई एनिमेशन देख सकते हो आप, बिल्कुल ही बढ़िया। स्टोरेज देखता हूँ, स्टोरेज कितनी भरी पड़ी है। फूड है अपना 99 लीटर, 999 लीटर, एक को ले आते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी अपने को। ये ऑल राइट गाइज, मैं फिर से यहाँ पे पहुँच चुका हूँ शॉप पे, और अपना एक ट्रैक्टर और कुछ सामान यहीं भी अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन अभी हम, अपने पास ना लैक ऑफ इक्विपमेंट है, तो हम भाई अपने को ना एक ट्राली भी ख़रीदनी चाहिए थी एक, लेकिन अभी आपको पता ही है कि भाई अपने ही पास पैसों की चल रही है तंगी। ज़्यादा ऊपर नहीं उठाते हैं ताकि ना ट्रैक्टर पीछे से ज़्यादा नहीं उठे, बाकी तो काम अपना एकदम सही चलेगा। हम इस बार बाई रोड चलते हैं, दूसरों के खेतों से कब तक जाते रहेंगे। तो इसको भी करते हैं खाली स्टोरेज में, और ये भी ऑटोमेटिक खाली हो ही जाएगा। बढ़िया भाई बढ़िया, ये चीज़ मेरे को सही लगी कि इनका काम ना अपने को बस दाना देना है, बाकी ये काम ऑटोमेटिक होता रहता है, और भाई मस्त चीज़ ही। तो लो हो गया इसका काम भी ख़त्म भाई। अपना ना आगे का फ्रंट लोडर ना भाई, मैं तो मान गया यार भाई, दम तो है यार इसमें, क्योंकि ना ये घंटों का काम मिनटों में करवा देता। अभी ना हमने उठा के नहीं ला सकते थे, अपने पास मोड होता ना तो मैं उठा के ले आता, लेकिन भाई अपना नो मोड चैलेंज चल रहा है, तो भाई हम चीटिंग नहीं कर सकते। बस आप लोगों के लिए बस इस वीडियो पे ना बिल्कुल ना 50 लाइक करवा दो, और अपने जो भी FS22 के फ्रेंड्स हैं ना भाई, उनके साथ शेयर करो यार, मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है अभी। बाकी हम ट्रैक्टर से स्टंटबाजी तो करते रहेंगे धीरे धीरे। भाई कितना प्यारा लग रहा ना यार ये मानना पड़ेगा यार मेरे को कि मैं बहुत बढ़िया ख़तरनाक गेम खेलता हूँ। और अभी अपने पास है करंटली 360, तो अपने पास है मुर्गियाँ, बाकी अभी अपने पास है स्टोरेज है ना अपनी। ट्रैक्टर भाई चाहिए, इसको लेके चलते हैं फिर से, इस बार शॉर्ट कर लूँगा मैं बाई रोड, या बाई रोड ही चलते हैं यार, कब तक शॉर्टकट मारेंगे ना, बिल्कुल रियल गेम प्ले तभी मजा आएगा ना। बाई रोड चलें, रूल्स का पालन करें, जीरो मोड। बाकी मैंने गेम को बिल्कुल रीइंस्टॉल किया था इसलिए गेम का डिले हो गया था, बाकी मैंने बताया था। और मेरे को बस ये बताओ कि यहाँ यहाँ तक कौन देख रहा है भाई, रियल सपोर्टर वही है। और बाकी अपने जल्द अपन 10K कर लेंगे ना भाई, तब अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अभी अपना ना इनिशियल स्टेज पे है ये अपना चैनल, तो भाई कभी कभी ना बिल्कुल ना डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो भाई डीमोटिवेट फील होता है, कभी कभी सही चलता है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट ही है। मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है कुछ दिन पहले, तो भाई थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरे को भाई कुछ तो अपना सही हुआ था मोनेटाइज होने के बाद, लेकिन ना अभी तक व्यूज़ भी इतना बिल्कुल ही कम आ रहे हैं, तो भाई रेवेन्यू बिल्कुल जनरेट नहीं होता है। और हम देखते हैं कि कब तक अपना पहला थ्रेशोल्ड कंप्लीट होता है, मैं बता दूंगा। बाकी जल्द ही भाई आप लोगों का प्यार बना रहा ना, तो हम सिल्वर प्ले बटन भी उठाएंगे 2-3 साल में, बस वो आप लोगों पे डिपेंड करता है, मेरे को कुछ नहीं पता उसका। और अभी हम क्या कर सकते हैं, हाँ ये भाई एक भाई ने कमेंट किया था भाई, तो ये है ना अपन स्ट्रो हुआ, ग्रास हुआ, इनकी स्टोरेज है ये। तो भाई थैंक यू कमेंट करने के लिए और वीडियो को पूरा देखने के लिए, यहाँ पे भी कमेंट करो इस वीडियो में।
तो मैं देखता कि भाई किस भाई ने कमेंट किया, मैं शॉर्ट आउट दूंगा उसको। मैं अभी जस्ट देख के आया। तो गाइज भाई का नाम है सागर दा, इनका चैनल का नाम है, मतलब चैनल नहीं, उनका वो यूज़र आईडी _sagar_@sagar_108। तो भाई थैंक यू कमेंट करने के लिए। भाई ये अपना स्टोरेज ही है ये, मेरे को जहाँ तक पता है। ये हम देखते ना, ओके ये सेव हो रहा पहले। तो भाई ये स्टोरेज ही हम यहाँ पर है और ये हम स्टोर करेंगे। बस आप इस वीडियो पे कमेंट करो कि आपने शाउट आउट सुना है, तो भाई मेरे को और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगना चाहिए। तो बस ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी, तो भाई थैंक यू। और कौन कौन भाई पूरी वीडियो देख रहा है तो भाई बता दिया करो, मेरे को पता रहता है ऐसे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।